Hello friends, welcome back to my YouTube channel GCL Boys Suki. Today we are going to Jauljibi Mela with Ashish Raipa, Rang Siri City Rider. सीना जस्ट क्रॉस्ड सिटी राइड तो आगे निकल चुका है. मैं जाम में फंस चुका था, दैट्स वाई पूरी हिमालय सीरीज दिख रही है यहाँ से. पंचातुली पीक्स, इन बर्फ की चोटियों को देख के आंखों को बहुत सुकून मिलता है. दूर दूर तक सिटी राइड नजर नहीं आ रहा है, शायद मे भी वो पहुंच चुका हो. अब हम पहुंचने वाले हैं जौलजीबी. देखिए सामने नज़ारा, वो सामने पे है, राइट साइड पे जौलजीबी. सामने पूरा है नेपाल क्षेत्र. नीचे जौलजीबी मेला हर साल नवंबर मंथ में होता है. देखिए जौलजीबी की स्टार्टिंग हो चुकी है. यहाँ पे पूरी टैक्सियाँ लगी है लाइन बारी से. आज दिन संडे का है, डेट्स वाई ज़्यादा भीड़ होगी आज. और ये रहा एकमात्र पेट्रोल पंप जौलजीबी का. ये है जौलजीबी का पुल. यहाँ से लेफ्ट साइड है मुंशारी के लिए और राइट साइड को है जौलजीबी. ये पहुंच गए हम जौलजीबी में. अब लगाते हैं यहाँ पे बाइक कहीं पे जहाँ मिलती है पार्किंग. और ये देखिए सामने है नेपाल का जौलजीबी. दिस इज़ द स्टार्टिंग गेट ऑफ जौलजीबी मेला. यहाँ से करते हैं नीचे को. रायपा भाई भी मिल चुका है मुझे. चलो लेट्स एक्सप्लोर द जौलजीबी मेला. यो वो देखिए पुल पे कितनी भीड़ है, सब नेपाल जा रहे हैं. हम भी चलते हैं नेपाल को पहले. काफ़ी लंबा पुल है ये, देखिए देख सकते हैं आप वो आखिरी तक कितना लंबा है जौलजीबी. पिछली बार रहेंगे नेपाल में, नेपाली सिंगर सा. हार्दिक स्वागत करते छे, वेलकम टू नेपाल, स्वागतम.
जौलजी मेला के टाइम पे देखिए कितनी भीड़ मची है यहाँ से। एक बार में एक साथ बन गए थे, कितनी भीड़ मची पड़ी है यहाँ पर देखिए। वो आगे तक बच्चे आगे दौड़ते हुए जा रहे हैं, वो सामने से आ रही है जो बोरिंग नदी। यहाँ पे बन रहा है नूडल्स देखिए। गोरी नदी और काली नदी का संगम स्थल देखिए यहाँ पे। यहाँ थोड़ी शांति है ना, यहाँ पे भी बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे में सब ले रहा हूँ, ये सब पुल में जाने वालों की भीड़। नेपाल टूर कंप्लीट, अब चलते हैं इंडिया जौलजीबी मेला। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं नेपाल से वापस, अब चलते हैं जौलजीबी मेला नीचे। दो चाय बाबा, नेपाल हम थक चुके हैं बहुत, पसीना पसीना। तो अभी नेपाल घूमने गए थे हम लोग और काफ़ी मज़ा आया, पुल जो था काफ़ी अच्छा था। थोड़ा यहाँ पे ठंडा नहीं है, काफ़ी गर्म हो रहा है, स्वेटर पहना है। घाटी है ना, घाटी घाटी में गर्मी होती है। तो वो इसे एक टेक्निक का नाम समझ कर एक टेक्निक का नाम समझ खत्म हो जाती है, लेकिन मेरी नजरों में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उसके कारण को जानना बहुत आवश्यक है। उसके कारण के तह तक उसके बात के तह तक गहराई तक जाना। और अगर सचित्र भाषा में समझाना नहीं, बदलते वातावरण के कारण जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है वही ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन अभी भी ये है हमारा भाई, पैकिंग जैकेट, बहुत ही सस्ते जैकेट है इसके पास, ब्लैक लेके आता पूरा ब्लैक। चल चल एक्शन करना तू भी, यहाँ जप वाला है ये। We'll be right back.
फोटो अच्छी आ रही है, मतलब वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी आ रहा है। Bravo! 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 Brav